किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जानेंगे हानिकारक या अहितकारी संयोग, अर्थात किसी विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ के साथ किन किन अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं किन किन खाद्य पदार्थों के साथ कौन सी खाद्य पदार्थ का मिश्रण हानिकारक हो सकता है। दूध के साथ दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, मूली और मूली के पत्ते, तुरई, गुड़ या गुड़ का हलवा, तिलकुट, तेल, कुल्थी, सत्तू, खट्टे फल, खटाई आदि हानिकारक हो सकते हैं। दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गरम खाना या गरम वस्तु, खरबूजा आदि हानिकारक हो सकता है। खीर के साथ खिचड़ी, कटहल, खटाई, सत्तू, शराब आदि चीज़ें हानिकारक हो सकती हैं। शहद के साथ मूली, अंगूर, वर्षा का जल, गर्म वस्तुएं या गर्म जल आदि अहितकारी हो सकते हैं। गर्म जल के साथ शहद बहुत ही अहितकारी होता है। शीतल जल के साथ मूंगफली, घी, तेल, तरबूज, अमरूद, जामुन, खीरा, ककड़ी, नेजा, गरम दूध या गरम पदार्थ आदि का संयोग अहितकारी हो सकता है। घी के साथ शहद बराबर मात्रा में हानिकारक हो सकता है। खरबूजा के साथ लहसुन, मूली के पत्ते, दूध और दही का मिश्रण हानिकारक होता है। तरबूज के साथ पुदीना और शीतल जल अहितकारी होता है। चाय के साथ ककड़ी और खीरा हानिकारक होता है। चावल के साथ सिरका का मिश्रण हानिकारक होता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।